ठीक है, कॉन्टिनेंट कितने हैं पता है ना? सेवन है ना। हाँ, और ओशन कितने हैं? हाँ पांच है, फाइव ओशन है और कॉन्टिनेंट कितने हैं? सेवन। देखो अगर जैसे टाइम बचता है तो मैं तुम लोगों को मैपिंग भी बता रही हूँ साथ साथ में, क्योंकि मैपिंग भी तुम्हारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और तुम जैसे बोर हो जाते हो पढ़ते पढ़ते तो तुम्हें मैपिंग भी होनी चाहिए तुम्हारे लिए। अब पता है एक और चीज है, जो मैपिंग वगैरह है वो बेटर वे में जो तुम कर पाते हो, वो तुम्हारे सामने शीट हो और उस पर तुम कुछ भी टेढ़ा मेढ़ा जैसा भी है ड्रॉ करो, ठीक है। तो अगर कॉन्टिनेंट्स की मैं बात करूं तो सेवन है, ठीक है। तो हम स्टार्ट करेंगे सेवन करने, यूएस, है ना? वन टू फोर फाइव, ऑस्ट्रेलिया सिक्स और सेवन। तो दिस इज ऑल अबाउट हमारे सेवन कॉन्टिनेंट, ठीक है। और ये ब्लैक सी है और यहाँ पर कैस्पियन सी, अराल सी, ये कुछ कुछ मेडिटेरियन सी, ये मेडिटेरियन सी है, ठीक है। तो बेसिकली ये हमारे कॉन्टिनेंट है, ठीक है, सेवन कॉन्टिनेंट, जो तुमको इसका एक फेयर आइडिया होना जरूरी है कि तुम्हारे कॉन्टिनेंट्स क्या क्या है। अब क्यों जरूरी है, देखो अगर तुम यूपीएससी का मेंस तुम कभी भी लिखोगे या यूपीएससी की कोई भी चीज तुम्हें याद करनी है, यूपीपीसीएस की याद करनी है, जो कि तुम फ्यूचर में जरूर दोगे, अभी तो तुम्हें लगेगा कि क्या कर रहे हैं हम, ठीक है एसएससी में ले लेते हैं, बट हैव अ बिग ड्रीम, ठीक है, ऑलवेज हैव अ बिग गोल। अगर तुम्हारा गोल बड़ा होगा तो जो छोटे गोल हैं उन्हें अचीव करने में बहुत आसानी हो जाएगी, लेकिन अगर तुम छोटे के पीछे पड़े रहोगे कि नहीं ये तो अभी तो यही चाहिए यही चाहिए, तो फिर कहीं ना कहीं हम उसी में रह जाते हैं, है ना। तो हमेशा जो एम है अपना वो हाई रखो, ताकि उस तक पहुंचने के लिए तुम्हें फिर जो छोटी चीजें हैं वो भी इजी लगे। क्या हुआ, ना रखना हाई? हाँ, देखो तो यही तो चीज होनी चाहिए कि यू वांटेड टू बिकम अ पीएम, है ना। तो इफ यू वांटेड टू बिकम अ पीएम तो तुम फिर पहले आईएएस बनो, ठीक है, फिर पॉलिटिक्स में आओ। आईएएस बनने के बाद तुम्हें लोग जान भी जाएंगे, फिर पॉलिटिक्स ज्वाइन कर लेना। अब ऐसे रिटायर्ड आईएएस हो या फिर सुप्रीम कोर्ट के जज हो या किसी भी कहीं के भी जज हो, लॉयर्स हो, दे ऑप्ट फॉर पॉलिटिक्स बाद में, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा, ठीक है, उसके बाद रिटायरमेंट के बाद। नहीं तो फिर तुम सनी देओल की तरह भी कर सकते हो कि सारा पैसा कमा के फिर वो गाँव में रह रहे हैं, सही है। सनी देओल, महेंद्र सिंह धोनी अपने फार्म में रहते हैं, वहां सब्जियां उगाते हैं वो लोग, ठीक है। तो ऐसा ऐसा भी कर सकते हो तुम लोग। चलो तो कर लो। तो अब ये समझ आया, ऑर्गेनाइजेशन समझ आई, ऑर्डिनेंस पक्का क्या होता है? ऑर्डिनेंस, हाँ, इमरजेंसी में। लेकिन दिल्ली में कोई इमरजेंसी थी अभी? तो क्या नहीं है, एक तरह का पॉलिटिक तो पॉलिटिक्स ही तो चल रही है। इमरजेंसी कब थी? इमरजेंसी इंदिरा गांधी गवर्नमेंट के टाइम पे थी, जब बेवजह की इमरजेंसी थी, ठीक है। तो ये चीजें हैं, बाकी चल रहा है पॉलिटिक्स वगैरह, बट उससे डू नॉट अफेक्ट योर सेल्फ, अपने आप को अफेक्ट मत होने दो। फोन यूज करो एंटरटेनमेंट के लिए, टॉम एंड जेरी देखो, डोरेमोन देखो, बी हैप्पी ऑलवेज, है ना। लेकिन ये चीजें देखो, इनकी डिबेट देखने से अच्छा, पॉलिटिक्स का देखने से अच्छा, ये जो डिबेट होती रहती है बेवजह की, देखने से अच्छा तुम शिनचैन चला लो, ठीक है। चलो ठीक है ना। और ये समझ आया ना तुम लोगों को, श्रीलंका बनाना तो भूल ही गए। हाउ पिटी इट इज, श्रीलंका नहीं बनाया, ये बन गया। चलो ठीक है।